हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल फोरम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज एएलपी का पहला दिन का एग्ज़ाम था और उसकी फर्स्ट शिफ्ट जो थी वो 10 बजे से 11 बजे से लेकर के थी। तो आइए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप लोग एक बार इन टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर पढ़ के जाइएगा अगर आपका एग्ज़ाम आज है तो। ठीक है, जल्दी से एक बार देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। देखिए, करंट अफेयर से क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से पूछे गए हैं। ठीक है, और जनरल साइंस के आपको पता ही है 20 क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन। ठीक है, जितना दिया हुआ था उतने क्वेश्चन पूछे गए थे और करंट अफेयर से लगभग 5 क्वेश्चन थे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर का एक क्वेश्चन, जैसे फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ अभी तक, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पे। फाइनेंशियल एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर का कौन है, द एसोसिएशन ऑफ स्मॉल बॉम्ब्स इस नाम की एक बुक है, उसके ऑथर कौन है, हाफ ऑफ माई साइड ऐसे करके क्वेश्चन आया था, शायद इसकी बुक के ऑथर पूछा गया था। IPL टीम KKR का ओनर कौन हो गया है अभी फरवरी में, ठीक है, फरवरी 2018 में, ऐसा एक क्वेश्चन था। अलाहाबाद बैंक का CEO कौन है इस समय, तमिलनाडु का गवर्नर कौन है, एक क्वेश्चन जनरल साइंस का, कैलकुलेट फोकल लेंथ। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ दी हुई थी, फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना था। फॉर्मिक एसिड से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देखिए, हम लोगों ने अपने वीडियो में आपको बताया था फॉर्मिक एसिड केमिस्ट्री में कि एंट के काटने से कौन सा एसिड निकलता है काटने पर, तो फॉर्मिक एसिड था। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था फॉर्मिक एसिड से, एक बार आप केमिस्ट्री वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा क्वेश्चन था। तो आप लोग आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, इन तीन चीज़ों के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार, आइसोटोन, और क्या होता है एटमिक नंबर और एटमिक बार। ठीक है, एटमिक वेट और एटमिक नंबर, ये आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइए। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, एक क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, जनरल साइंस के क्वेश्चन पूरे 20 के 20 क्वेश्चन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, ऐसा पता चल रहा है। तो आप लोग जनरल साइंस एक बार अच्छे से पढ़ के जाइए। आगे देखते हैं, मैथ से क्वेश्चन थे सिंपल इंटरेस्ट का, लगभग 2 क्वेश्चन था। पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, स्क्वायर रूट से था, इरेशनल नंबर से था, नंबर सिस्टम, पाइप एंड सिस्टर्न का भी एक क्वेश्चन था। मैन पावर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, एक आदमी कितने दिन में काम करता है, उस टाइप वाले। ट्रेन स्पीड से भी था, एवरेज से भी था। ठीक है, तो लगभग बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं मैथ से रिलेटेड, और आपकी थोड़ी स्पीड, थोड़ा प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए। रीजनिंग का देख लेते हैं, मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था। ठीक है, सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था। ठीक है, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, कितने ट्रायंगल होंगे इसमें। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन शैडो से था शायद, कि इस अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसकी शैडो किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ये इतना कुछ है जो कि अभी तक हम लोग को पता चला है फर्स्ट शिफ्ट का। तो अगर आप लोग सेकंड शिफ्ट या तो थर्ड शिफ्ट में जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक यही रहता है मोस्टली, थोड़े बहुत क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।